हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 11th एंट्रेंस 2021 पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले मैथ्स पोर्शन को सॉल्व करने जा रहे हैं। और जो हमारे पास इस टाइम सेट ए है, और सेट ए का मैथ्स का पहला क्वेश्चन जो है वो 51 क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। सेट बी में कुछ डिफरेंट हो सकता है, हम दोनों सेट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दे रहे हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 51 यानी कि मैथ्स के पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है इफ ए इक्वल टू 2n+3 एंड बी इक्वल टू n+7, एन इज द नेचुरल नंबर, देन द एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। तो हम लिख लेते हैं इसको, ये दिया हुआ है ए इक्वल टू 2n+13 और बी इक्वल टू n+7, और यहां पे लिखा हुआ है कि n इज द नेचुरल नंबर, देन द एचसीएफ ऑफ a एंड b। n इज द नेचुरल नंबर है तो हम n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर पुट कर सकते हैं, तो n की जगह हम क्या करते हैं 1 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो n की जगह जब 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 1+13, यानी कि ये हो जाएगा 15, और b हो जाएगा हमारा 1+7 यानी कि 8। अब एचसीएफ निकालना है 15 और 8 का, ठीक है। तो HCF ऑफ 15 और 8 कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। तो फर्स्ट का हमारा 51 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। 52 क्या कह रहा है, 52 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, ये हम बता चुके हैं कि टर्मिनेटिंग कौन होते हैं कि जिसमें जो अगर कोई ऐसे लिखा हुआ है पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो जो क्यू होता है वो अगर 2m × 5n के फॉर्म में है, ठीक है, तो वहां पे वो नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग। अब यहां पे एक बहुत ध्यान देने वाली चीज ये है कि अगर 2 की पावर 5 आ रहा है सिर्फ तब भी टर्मिनेटिंग होगा, और अगर 5 की पावर n के फॉर्म में आ रहा है तब भी टर्मिनेटिंग होगा, और अगर दोनों आ रहा है तब भी टर्मिनेटिंग होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m और 5 की पावर n और 2 की पावर m × 5 की पावर n। ये अगर q यानी कि डिनोमिनेटर इस फॉर्म में है तो हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, पहला ऑप्शन है 39/24, ठीक है। तो 39 को हम लिख सकते हैं 3 × 13 और डिवाइडेड बाय 24 है, ठीक है। तो ये 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 8। अब 13/8 आ गया, जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में है, 13/2 यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में है, 2 की पावर के फॉर्म में है, तो ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग, जाहिर सी बात है क्या होगा, टर्मिनेटिंग। सेकंड चेक कर लेते हैं, सेकंड क्या है, 3/16, सेकंड ऑप्शन है 3/16, तो यहाँ पे 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, तो ये भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा। थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं, थर्ड पार्ट क्या है, 137/25, तो इसको लिख सकते हैं 137/5, तो जाहिर सी बात है ये 5 के फॉर्म में है तो ये भी टर्मिनेटिंग। अब हम आ जाते हैं लास्ट ऑप्शन पे, ठीक है। लास्ट ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, 3/11, तो ये जो है 2 की पावर m या 5 की पावर n या फिर 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमारा 52 का लास्ट पार्ट करेक्ट हो जाएगा, 52 का बी पार्ट। उसके बाद हम आ जाते हैं 53 पे, ठीक है। 53 क्या कह रहा है, 53 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो पहला लिखा हुआ है 7 का स्क्वायर, 53 का ग्रेटेस्ट पता करना है, और पहला लिखा हुआ है 7 का स्क्वायर, दूसरा लिखा हुआ है 49 की पावर 3/2, तो इसको लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर और पावर कितना है 3/2, तो ये आ जाएगा 7 का क्यूब। थर्ड पार्ट क्या लिखा हुआ है, थर्ड पार्ट लिखा हुआ है 1/343 की पावर -1/3,
तो इसको लिख सकते हैं 343 की पावर 1/3, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं डी पार्ट पे, ठीक है। तो डी पार्ट क्या कह रहा है, डी पार्ट लिखा हुआ है 2401 की पावर -1/4, तो इसको लिख सकते हैं 1/2401 की पावर प्लस का 1/4। यहां से हम इसको लिख सकते हैं 7 343 का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। 343 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये जो है 3 से डिविजिबल है कि नहीं, 7 से चेक कर लेते हैं, 7 से, तो 7 से 7 4 जा 28, और कितना बचेगा 28 6 3, तो 7 9 जा, हाँ कट जाएगा, ठीक है। फिर ये आ जाएगा 7, तो हम इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 3 और पूरे की पावर 1/3, तो यहाँ से आ जाएगा 7। तो हम चेक कर लेते हैं कौन सा हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, 7 स्क्वायर है 7 क्यूब है 7 है और यहाँ पे ये है, तो जाहिर सी बात है सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट पता करना है, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई करना है, मैं लिख देता हूँ उसको। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है 0.6 की पावर 0 माइनस 0.1 की पावर -1 डिवाइडेड बाई 3/8 की पावर -1 और 3/2 की पावर 3 प्लस -1/3 की पावर -1। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, किसी की भी पावर 0 होता है तो ये हो जाएगा 1, और इसको लिख सकते हैं 0.1 को 1/10 की पावर -1 डिवाइडेड बाई, इसको लिख सकते हैं आप उल्टा कर देते हैं तो ये पावर जो है 10 में हो जाएगा, ठीक है, और इनटू 3/2 की पावर 3 ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम लिख सकते हैं -3 की पावर 1, ठीक है। क्योंकि पावर जब हम पावर माइनस में होता है तो हम नंबर को क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, यहां से आ जाएगा 1 माइनस 1/10 की पावर -1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर प्लस 1, ठीक है, 10 की पावर प्लस 1। उसके बाद हम आ जाते हैं इसको, इसको लिखेंगे 8/3, ठीक है, और इंटू थ्री डिवाइडेड बाई 2 × 2 × 2 -3, ठीक है। तो यहाँ से 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बच रहा है, -9 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे बच रहा है 3 × 3 = 9, 9 - 3 यानी कि 6 बच रहा है, ठीक है। तो -9/6 और इसको फिर 3 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा -3/2, यानी कि 54 का सी पार्ट आ रहा है। उसका हम 55 देख लेते हैं, क्या कह रहा है 55 कह रहा है द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 7, यानी कि 3 डिजिट के नंबर लिखने हैं और वो मल्टीपल हो किसके, 7 के। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि 3 डिजिट के नंबर कौन से होते हैं, ठीक है। 3 डिजिट का पहला नंबर होता है 100 और आखिरी नंबर होता है 999। लेकिन अब हमें जो है ये नहीं पता करना, हमें पता करना है 7 से डिविजिबल। तो हम कैसे पता करेंगे कौन सा नंबर पहला नंबर होगा, ठीक है, हम 7 से पता कर लेते हैं कि कौन सा नंबर डिविजिबल होगा, ठीक है। तो 7 से 100 में डिवाइड कर देते हैं, एक बार जाएगा 3 0, 4 बार ले जाएंगे 28, 2 आ गया। उसके बाद हम 100 में क्या ऐड करें कि जो वो नंबर है 7 से डिविजिबल हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइजर में से रिमाइंडर को सबट्रैक्ट कर देंगे, जो बचेगा उसको क्या करेंगे 100 में ऐड कर देंगे। तो 100 में जब 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 105। अब 105 को आप 7 से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, ये डिविजिबल है, ठीक है। अब जो है 999 है, 999 7 से डिविजिबल नहीं है, तो आखिरी नंबर पता कर लेते हैं कि कौन सा नंबर डिविजिबल होगा। उसके लिए क्या करेंगे, 7 से इसमें डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 29, फिर 4 28 19, फिर ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 14, बचा 5। अब आखिरी नंबर को पता करने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट 999 में से 5 को सबट्रैक्ट कर देंगे, तो 999 में से 5 को सबट्रैक्ट कर देंगे, ये हो जाएगा 994, यानी कि आखिरी नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा वो होगा 994, ठीक है।
तो पहला नंबर पता चल गया 3 डिजिट का 105 होगा और आखिरी नंबर होगा 994। अब पता कर लेते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। क्यों? क्योंकि सम ऑफ जो फॉर्मूला है सम ऑफ एन टर्म्स का, उन दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स की जरूरत पड़ती है। सम ऑफ एन टर्म्स का दो फॉर्मूला है, SN इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और दूसरा फॉर्मूला है SN इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। जाहिर सी बात है यहाँ पे लास्ट का मालूम है, तो हम SN इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल का इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे एन पता करना है। तो एन पता करने के लिए आखिरी टर्म मालूम है 994, तो ये हो जाएगा 994 इक्वल टू 105 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी कितना होगा? 7 होगा। क्यों? क्योंकि 7 का ये मल्टीपल है। ठीक है, तो अब 994 में से 105 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 5, ये हो जाएगा 9। ठीक है, 14 माइनस 5 ये हो जाएगा 9, और 8 में से 0 जाएगा ये हो जाएगा 8, और 9 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 8, 8, 8, 9, और 7 को यहाँ पे भेज देते हैं। ठीक है, इक्वल टू एन माइनस 1। अब क्या करते हैं, अब 7 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और कितना बचेगा 1, 1, 8, तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। कितना बचेगा? 4, तो 4, 9, तो 7, 7 जा 49 इक्वल टू एन माइनस 1, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 128। ठीक है, n की वैल्यू पता चल गई। अब SN का फॉर्मूला लगा देते हैं, SN इक्वल टू n बाई टू ए प्लस एल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 128 डिवाइडेड बाई 2, a कितना है 105, l कितना है 994। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिलेगा 70336, यानी कि क्वेश्चन नंबर 55 का सेकेंड पार्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 56 देख लेते हैं, यानी कि मैथ्स का 6th क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज द सेम एज द सम ऑफ इट्स एन टर्म्स, देन द सम ऑफ इट्स एम प्लस एन। यानी कि क्वेश्चन 56 ये कह रहा है कि सम ऑफ एम टर्म्स ऑफ एन एपी इक्वल टू सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द, यानी कि फर्स्ट टर्म से कह रहा है, यानी कि एस एम इक्वल टू एस एन हो जाएगा। क्योंकि इफ द सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म्स ऑफ एन एपी इज द सेम एज द सम ऑफ इट्स फर्स्ट एन टर्म्स, देन द सम ऑफ इट्स एम प्लस एन टर्म। यानी कि ये दे रखा कंडीशन और हमें बताना है सम ऑफ फर्स्ट एम प्लस एन टर्म्स का। तो यहां से हम लिख लेते हैं, ये सम का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा एम बाई टू टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये टू से इसको कैंसिल कर देते हैं, ये हो जाएगा टू ए एम प्लस एम स्क्वायर इंटू डी माइनस एम डी इक्वल टू, ये हो जाएगा टू ए एन प्लस एन स्क्वायर डी माइनस एन डी। यहां से इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 2a कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m माइनस n। इसको उधर ले करके चले जाते हैं, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर d माइनस m स्क्वायर d, और md उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो md और माइनस nd। ठीक है, अब इधर 2a m माइनस n है, तो इधर भी क्या करते हैं कि m माइनस, इसमें क्या करें d कॉमन ले लें, सबसे d कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या करें n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा n माइनस m और n प्लस m। ठीक है, और d ऑलरेडी यहां से कॉमन हो चुका है, तो यहां पे आ जाएगा m माइनस n। देखो यहां पे n माइनस m है, यहां पे m माइनस n है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि m माइनस n कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से। ठीक है, तो m माइनस n जब कॉमन लेंगे तो यहां पे क्या बचेगा, यहां पे बचेगा माइनस का n प्लस m। ठीक है, माइनस का n प्लस m, और हमने कॉमन क्या लिया है m माइनस n, तो यहां पे क्या बचेगा प्लस का 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2a और m माइनस n, m माइनस n कैंसिल हो जाएगा, तो 2a इक्वल टू हो जाएगा d, ठीक है, माइनस n प्लस m प्लस का 1। सबको इधर लेकर के आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2a और माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा n प्लस m माइनस वन इंटू डी इक्वल टू जीरो। यहां से ये निकल करके आ गया। अब हम m प्लस n पता करना है हमें, तो m प्लस n इक्वल टू हो जाएगा हमारा
एम प्लस एन डिवाइडेड बाई टू, टू ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारा एम प्लस एन का लग जाएगा। और यहां से हम पता कर चुके हैं कि टू ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू जीरो, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, जीरो। तो जीरो इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि 55 का लास्ट पार्ट करेक्ट, 56 का सॉरी 56 का लास्ट पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 56 हो गया। 57 देख लेते हैं, 57 क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 57 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 11, यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो 11 ज्यादा है न्यूमरेटर से। इफ 8 इज एडेड टू बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 3/4, देन द फ्रैक्शन इज, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, तो हम लिख लेते हैं। यहाँ पे एक काम करते हैं, सबसे पहले लेट डिनोमिनेटर इक्वल टू एक्स और न्यूमरेटर इक्वल टू वाई, उसका देखिए क्या कह रहा है, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 11, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से कितना ज्यादा है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 11 ज्यादा है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 11, ठीक है, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर ज्यादा है, या तो फिर आप देख सकते हैं x इक्वल टू वाई प्लस 11। उसके बाद क्या कह रहा है, इफ 8 इज एडेड टू बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देन इट बिकम्स 3/4, ठीक है, तो देन फ्रैक्शन बिकम 3/4, तो हमारा ये हो जाएगा वाई प्लस 8 डिवाइडेड बाई x प्लस 8, तो ये हमारा बन जाएगा 3/4, ठीक है। दूसरी इक्वेशन यहां से बन जाएगी, तो दूसरी इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, यहां से सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4y प्लस 32 इक्वल टू 3x प्लस 24, यहां से आ जाएगा 4y माइनस 3x इक्वल टू 32 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 में से 4 जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 8, तो यहां से इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 4y इक्वल टू पॉजिटिव का 8, तो ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन और ये हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए काम करते हैं कि इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, 4x माइनस 4y इक्वल टू 44। अब ऊपर से नीचे को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं या नीचे से ऊपर कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4x में से 3x जाएगा कितना हो जाएगा 1x, ठीक है, और ये खत्म हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 44 में से 8, 14 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, जाहिर सी बात है 6 और x, तो ये हो जाएगा 36, x की वैल्यू 36 आ गई, तो x की वैल्यू 36 आ गई, तो y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो y की वैल्यू हो जाएगी x माइनस 11, यानी कि 36 माइनस 11, तो ये हो जाएगा 25, y की वैल्यू आ गई 25, तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, यानी कि y बाई x, तो 25/36, ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 57 का बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 क्या है, थोड़ा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, इफ ए स्क्वायर इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 58, ए स्क्वायर इक्वल टू बी वाई प्लस सी जेड और बी स्क्वायर इक्वल टू सी जेड प्लस ए एक्स और सी स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, तो वैल्यू पूछा है x अपॉन ए प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन बी प्लस वाई प्लस जेड अपॉन सी प्लस जेड, ठीक है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं इसको भी ए स्क्वायर में ले आते हैं, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में ले आते हैं, उसमें लाने के लिए ऊपर नीचे क्या करें, ए से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा ए एक्स और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए एक्स, यहाँ पे बी से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा बी वाई प्लस बी स्क्वायर प्लस बी वाई, यहाँ पे सी से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा सी जेड सी स्क्वायर प्लस सी जेड, अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बी वाई प्लस सी जेड प्लस ए एक्स, और बी स्क्वायर की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है सी जेड प्लस ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है, और यहाँ पे सी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं, सी स्क्वायर की वैल्यू है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर सेम आ गया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड,
ax plus by plus c है, ax plus by plus c है, और डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर क्या क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ax plus by plus c है, तो ax plus by plus c है डिवाइडेड बाय ax plus by plus c है, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 1, तो इसका जो है सेकंड पार्ट करेक्ट हो जाएगा 58 का। 59 देख लेते हैं क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है द वैल्यू ऑफ k फॉर विद द जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल, यानी कि पॉलीनोमियल क्या दिया हुआ है, लिख लेते हैं kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इसके दो रूट दे रखे हैं अल्फा और बीटा, और हमसे वैल्यू पूछा है कि द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल आर अल्फा बीटा और रिलेटेड टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24, ये दे रखा है, ठीक है, तो ये इक्वेशन का रूट है अल्फा और बीटा, तो यहां से हम निकाल के रख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए कितना हो जाएगा माइनस 4 बाई के, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है सी बाई ए, तो ये हो जाएगा 4 बाई के, ठीक है, माइनस 4 बाई के आ गया, और ये आ गया माइनस 4 बाई के आ गया, ये प्लस का 4 बाई के आ गया, अब ये अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर है, हमको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम है, तो इसको क्या करते हैं परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा ऐड कर देते हैं और 2 अल्फा बीटा सबट्रैक्ट कर देते हैं इक्वल टू 24, तो ये बन जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 24, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 4 बाई माइनस 4 बाई के का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यानी कि 2 इंटू 4 बाई के इक्वल टू 24, तो ये हो जाएगा 16 बाई के स्क्वायर माइनस 8 बाई के इक्वल टू 24, यहाँ से के स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 8 इंटू के इक्वल टू 24, यहाँ से हम लिख सकते हैं 16 माइनस 8 के इक्वल टू 24 के स्क्वायर, सबको एक तरफ लेकर के चले जाते हैं, तो 24 के स्क्वायर प्लस 8k माइनस 16 इक्वल टू 0, अब क्या करते हैं 8 कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेकर के डिवाइड कर देते हैं, इधर 0 है, तो ये हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस, अब ये सबट्रैक्ट करके लाना है कि ऐड करके लाना है, तो इसका साइन जो है माइनस है तो सबट्रैक्ट करके लाना है, और कैसे करके लाएंगे 3 और 2 से लाना है, तो ये हो जाएगा 3k माइनस 2k माइनस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से 3k कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या k प्लस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा k प्लस 1 इक्वल टू 0, तो k प्लस 1 और 3k माइनस 1 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू आ गई माइनस 1 और k की वैल्यू आ गई 1/3, यानी कि माइनस 1 और यहाँ से माइनस 2 कॉमन आएगा 3k माइनस 2, तो k की वैल्यू 1 आ जाएगी माइनस 1 और k की वैल्यू 1 आ जाएगी 2/3, यानी कि 59 का सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, यानी कि 10 क्वेश्चन है इसका, अ ट्रेन ट्रेवल्स 288 किलोमीटर एट एन यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 4 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी देन द स्पीड ऑफ द ट्रेन, यानी कि हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में सबसे पहले देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दे रखा है 288 किलोमीटर, स्पीड ऑफ द ट्रेन पूछा है और कह रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स 288 किलोमीटर एट एन यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 4 किलोमीटर पर आवर मोर, यानी कि स्पीड को अगर बढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है टाइम कम लगेगा, तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी देन द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो हम क्या करते हैं लेट स्पीड ऑफ ट्रेन मान लेते हैं इक्वल टू x किलोमीटर पर मान लिया हमने, ठीक है, तो अब जो है हम सबसे पहले टाइम निकाल लेते हैं कि टाइम कितना लगेगा अगर हम x स्पीड से इसको कवर करेंगे, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 288 बाई x, और अगर स्पीड बढ़ेगा तब कितना टाइम लगेगा, तो तब टाइम लगेगा 288 और कितना स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है 4 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा x प्लस 4,
पहले जो है टाइम ज्यादा लग रहा था, अब टाइम कम लग रहा है, यानी कि टी वन ज्यादा है और टी टू कम है। क्यों? क्योंकि भाई जब स्पीड बढ़ गया और स्पीड बढ़ गया तो टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो टी वन ज्यादा है और टी टू कम है, तो यहां से हम लिख सकते हैं टी वन माइनस टी टू, और ये किसने के बराबर है, वन आर के बराबर है। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं 288 अपॉन एक्स माइनस 288 अपॉन एक्स प्लस 4 इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 288, और यहां से कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 4 और ये माइनस x डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 1। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 288 इंटू 4 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x, सबको एक तरफ लेकर के आ जाते हैं तो x, तो ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 288 इंटू 4 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं तो 288 ये हो जाएगा 2144, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 72, और फिर ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 36, 218, 293331। ठीक है, 4 ऑलरेडी है तो हमारे पास आ जाएगा 339, 94 जा 36। ठीक है, 36 और माइनस 36 माइनस 32 तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 36x माइनस 32x माइनस 288 इंटू 4 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x प्लस 36, यहाँ से माइनस 32 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 36 इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा x प्लस 36 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, x माइनस 32, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 36 और x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 32। तो जाहिर सी बात है हम पॉजिटिव वाली वैल्यू ले लेंगे क्योंकि स्पीड जो है नेगेटिव में नहीं हो सकता। तो 60 का सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू टी, और वैल्यू पूछा है एक्स की पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 6। तो इसको हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर ए प्लस बी, नेक्स्ट ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर तो हो जाएगा एक्स की पावर 4, 1 बाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर तो ये हो जाएगा माइनस ए इंटू बी, एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर है तो यहाँ से इसको स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू पी स्क्वायर। 2 क्यों हो जाएगा, क्योंकि x इंटू 1 बाई एक्स 1 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें पता चल चुकी है, इसकी वैल्यू है पी स्क्वायर माइनस 2, पी स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ पे जो है इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कितना चाहिए, 2, तो प्लस 2 ऐड कर दो माइनस 2 सबट्रैक्ट कर दो, तो सबट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3। ठीक है, तो ये हो गया पी स्क्वायर माइनस 2, और ये बन जाएगा, ये यहाँ से बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3, इतना पूरा ये, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी है, तो यहाँ से ये देख सकते हैं। तो ये हो गया पी स्क्वायर माइनस 2, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू पहले से पता है, पी स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3, ये आ गया। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2, इसको ओपन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा पी की पावर 4, ठीक है, माइनस 4 पी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3, ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2, और ये हो जाएगा पी की पावर 4 माइनस 4 पी स्क्वायर प्लस 1। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा पी की पावर 6, और यहाँ से आ जाएगा माइनस 4 पी की पावर 4 और प्लस पी स्क्वायर, ठीक है, प्लस पी स्क्वायर माइनस 2 पी की पावर 4 माइनस 8 पी स्क्वायर और माइनस 2। ठीक है, तो कनेक्ट कर लेते हैं सेम पावर वाले को, पी की पावर 6 पी की पावर 4 यहाँ पे पी की पावर 4 यहाँ पे, ये हो जाएगा माइनस 6 p
टी की पावर 4, ठीक है, और ये जो है माइनस 2 इंटू 4 ये प्लस में होगा, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा प्लस 9 पी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9 पी स्क्वायर माइनस 2, यानी कि कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, p की पावर 6 माइनस 6 पी की पावर 4 प्लस 9 पी स्क्वायर माइनस 2, तो 61 का डी पार्ट हमारा मैच कर गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 हो गया, क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है हाउ मेनी डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आर पॉसिबल फॉर द इक्वेशन x की पावर 6 माइनस 26 एक्स क्यूब माइनस 27 इक्वल टू जी, ठीक है, ये दे रखा है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं x क्यूब का होल स्क्वायर माइनस 26 एक्स क्यूब माइनस 27 इक्वल टू जीरो, और x क्यूब को यहाँ पे पुट कर देते हैं t, ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 26 t माइनस 27 इक्वल टू जीरो, यहाँ से आ जाएगा, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं तो माइनस 27 t प्लस t माइनस 27 इक्वल टू जीरो, तो t कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा t माइनस 27 और प्लस यहाँ से 1 कॉमन ले लेते हैं, 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा t माइनस 27 इक्वल टू जीरो, तो t माइनस 27 दोबारा से कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और बचेगा क्या t प्लस 1 इक्वल टू जीरो, यहाँ से t इक्वल टू आ जाएगा 27, t इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1, तो t इक्वल टू 27 और t की वैल्यू कितनी है x क्यूब बराबर 27 यानी कि x इक्वल टू 3, ठीक है, और t इक्वल टू माइनस 1 यानी कि x क्यूब इक्वल टू माइनस 1, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 1, तो हमारे यहाँ पे दो मतलब रूट्स आ रहे हैं, तो हमारा जो रियल रूट्स है यानी कि 62 का बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, 62 का बी पार्ट। नेक्स्ट हम 63 देख लेते हैं। 63 में क्या कह रहा है, थ्री वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम आर 3.4 3.8 9.8 द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स, पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ये हो गया 3.4 और ये हो गया 3.8 और ये हो जाएगा हमारा 9.8 और इसका कोऑर्डिनेट हमें पूछा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसको डायगोनल को यहाँ से ऐसे मिला दो और इस डायगोनल को यहाँ से ऐसे मिला दो, ठीक है। अब देखो इस डायगोनल को हम पता कर सकते हैं कि इसका पॉइंट क्या होगा, क्यों, क्योंकि ये जो डायगोनल होता है ये क्या करता है बाइसेक्ट करता है, ठीक है, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं पैरेललोग्राम में, लेकिन डायगोनल्स क्या करते हैं इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि दिस इक्वल टू दिस होता है और दिस इक्वल टू दिस होता है, ठीक है, तो यानी कि अगर इस डायगोनल की बात करें हम ए बी सी डी और इसको नाम दे दे ओ, तो ओ क्या होगा ए सी का मिड पॉइंट होगा और ओ जो है बी डी का भी मिड पॉइंट होगा, तो ओ का कोऑर्डिनेट यहां से पता कर लेते हैं, ठीक है, ए और सी से, तो ओ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा ए और सी से पता करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 9 = 12 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि हो जाएगा 6, ठीक है, और यहाँ से पता करेंगे तो हो जाएगा 4 + 8 यानी कि 8 और 4 कितना हो गया 12 डिवाइडेड बाई 2 तो यहाँ से आ जाएगा 6 यानी कि 6.6 आ गया यहाँ से, ठीक है, 3.4 3.8 और 9.8, ठीक है, तो यहाँ से आ गया 6.6। अब यहाँ से इस पॉइंट को मान लेते हैं x, y, अब ये O पॉइंट है तो यहाँ से भी O पॉइंट तो वही होगा, तो फिर से वही करते हैं यहाँ से निकाल लेते हैं तो ये होगा x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 6, तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 6 टू या 12 माइनस 3 यानी कि 9, और ये हो जाएगा y प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी ये हो जाएगा 12 माइनस 8 यानी कि 4, तो 9.4 यानी कि 63 का सी पार्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू टी, और वैल्यू पूछा है x की पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 6, तो इसको हम लिख लेते हैं x स्क्वायर का क्यूब प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर ए प्लस बी, नेक्स्ट ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर तो हो जाएगा एक्स की पावर 4, 1 बाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर तो ये हो जाएगा माइनस ए इंटू बी एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर तो ये हो जाएगा 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर है तो यहाँ से इसको स्क्वायर कर देते हैं तो स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू
पी स्क्वायर। टू क्यों हो जाएगा, क्योंकि x इंटू वन बाई एक्स वन हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस टू। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें पता चल चुकी है, इसकी वैल्यू है पी स्क्वायर माइनस टू, पी स्क्वायर माइनस टू। अब यहाँ पे जो है इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कितना चाहिए, टू, तो प्लस टू ऐड कर दो, माइनस टू सबट्रैक्ट कर दो, तो सबट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस थ्री। ठीक है, तो ये हो गया पी स्क्वायर माइनस टू, और ये बन जाएगा, ये यहाँ से बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस थ्री, इतना पूरा ये, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस टू ए भी है, तो यहाँ से ये देख सकते हैं। तो ये हो गया पी स्क्वायर माइनस टू, और एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू पहले से पता है, पी स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस थ्री, ये आ गया। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस टू, इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा पी की पावर फोर, ठीक है, माइनस फोर पी स्क्वायर प्लस फोर माइनस थ्री, ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस टू, और ये हो जाएगा पी की पावर फोर माइनस फोर पी स्क्वायर प्लस वन। मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा पी की पावर सिक्स, और यहाँ से आ जाएगा माइनस फोर पी की पावर फोर और प्लस पी स्क्वायर, ठीक है, प्लस पी स्क्वायर माइनस टू पी की पावर फोर माइनस एट पी स्क्वायर और माइनस टू। ठीक है, तो कनेक्ट कर लेते हैं सेम पावर वाले को, पी की पावर सिक्स, पी की पावर फोर यहाँ पे, पी की पावर फोर यहाँ पे, ये हो जाएगा माइनस सिक्स पी की पावर फोर। ठीक है, और ये जो है माइनस टू इंटू फोर, ये प्लस में होगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा प्लस नाइन पी स्क्वायर, ठीक है, प्लस नाइन पी स्क्वायर माइनस टू, यानी कि कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, पी की पावर सिक्स माइनस सिक्स पी की पावर फोर प्लस नाइन पी स्क्वायर माइनस टू, तो 61 का डी पार्ट हमारा मैच कर गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 हो गया, क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आर पॉसिबल फॉर द इक्वेशन x की पावर 6 माइनस 26 एक्स क्यूब माइनस 27 इक्वल टू जी। ठीक है, ये दे रखा है, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं एक्स क्यूब का होल स्क्वायर माइनस 26 एक्स क्यूब माइनस 27 इक्वल टू जीरो, और एक्स क्यूब को यहाँ पे पुट कर देते हैं टी, ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 26 टी माइनस 27 इक्वल टू जीरो। यहाँ से आ जाएगा, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, तो माइनस 27 टी प्लस टी माइनस 27 इक्वल टू जीरो, तो टी कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा टी माइनस 27 और प्लस यहाँ से वन कॉमन ले लेते हैं, वन कॉमन लेंगे तो बचेगा टी माइनस 27 इक्वल टू जीरो, तो टी माइनस 27 दोबारा से कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और बचेगा क्या, टी प्लस वन इक्वल टू जीरो, यहाँ से टी इक्वल टू आ जाएगा 27, टी इक्वल टू आ जाएगा माइनस वन, तो टी इक्वल टू 27 और टी की वैल्यू कितनी है, एक्स क्यूब बराबर 27, यानी कि एक्स इक्वल टू 3। ठीक है, और टी इक्वल टू माइनस वन यानी कि एक्स क्यूब इक्वल टू माइनस वन, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस वन। तो हमारे यहाँ पे दो मतलब रूट्स आ रहे हैं, तो हमारा जो रियल रूट्स है यानी कि 62 का बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, 62 का बी पार्ट। नेक्स्ट हम 63 देख लेते हैं। 63 में क्या कह रहा है, थ्री वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम आर 3.4 3.8 9.8 द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स। पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ये हो गया 3.4 और ये हो गया 3.8 और ये हो जाएगा हमारा 9.8 और इसका कोऑर्डिनेट हमें पूछा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसको डायगोनल को यहाँ से ऐसे मिला दो और इस डायगोनल को यहाँ से ऐसे मिला दो। ठीक है, अब देखो इस डायगोनल को हम पता कर सकते हैं कि इसका पॉइंट क्या होगा, क्यों, क्योंकि ये जो डायगोनल होता है ये क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ठीक है, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं पैरेललोग्राम में, लेकिन डायगोनल्स क्या करते हैं, इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि दिस इक्वल टू दिस होता है और दिस इक्वल टू दिस होता है। ठीक है, तो यानी कि अगर इस डायगोनल की बात करें हम, ए बी सी डी और इसको नाम दे दे ओ, तो ओ क्या होगा, ए सी का मिड पॉइंट होगा और ओ जो है बी डी का भी मिड पॉइंट होगा, तो ओ का कोऑर्डिनेट यहां से पता कर लेते हैं। ठीक है,
ए और सी से, तो ओ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा ए और सी से पता करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 9 = 12 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि हो जाएगा 6, ठीक है। और यहाँ से पता करेंगे तो हो जाएगा 4 + 8 यानी कि 8 और 4 कितना हो गया 12 डिवाइडेड बाई 2 तो यहाँ से आ जाएगा 6 यानी कि 6.6 आ गया यहाँ से, ठीक है। 3.4, 3.8 और 9.8 ठीक है, तो यहाँ से आ गया 6.6। अब यहाँ से इस पॉइंट को मान लेते हैं x, y। अब ये O पॉइंट है तो यहाँ से भी O पॉइंट तो वही होगा, तो फिर से वही करते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं तो ये होगा x + 3 / 2 = 6। यहाँ से आ जाएगा x = 6 × 12, 12 - 3 यानी कि 9। और ये हो जाएगा y + 8 / 2 = 6 तो y की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 12 - 8 यानी कि 4। तो 9.4 यानी कि 63 का सी पार्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है, The vertices of a triangle are 1, a, 2, b and c square minus 3. The condition for which the centroid lies on the x-axis. So centroid का coordinate निकाल लेते हैं और सबसे पहले question number 64 पे आ जाते हैं। Question number 64 क्या कह रहा है? Three vertices of a triangle are 1, a, 2, b and c square minus 3. The condition for the centroid lies on x-axis. एक ट्राइंगल बना लेते हैं और ट्राइंगल के वर्टिसेस क्या दे रखे हैं लिख लेते हैं 1, a, 2, b और c² - 3 ये दे रखा है। उसके बाद पूछा है द कंडीशन फॉर विच द सेंट्रॉइड लाइज ऑन एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकाल करके रख लेते हैं। तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होता था, x1 + x2 + x3 / 3, y1 + y2 + y3 / 3। तो यहां से निकल करके आ जाएगा, पहला हो जाएगा 1 + 2 + c² / 3 (a + b - 3) / 3, ये आ गया हमारा सेंट्रोइड का। उसके बाद कह रहा है द कंडीशन फॉर विच द सेंट्रोइड लाइज ऑन एक्स एक्सिस यानी कि सेंट्रोइड हमारा यहाँ इस एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। सेंट्रोइड जब एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है और एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू कितनी होती है 0, तो हम वाई के कोऑर्डिनेट्स को क्या कर देंगे 0। यहाँ से हो जाएगा a + b - 3 / 3 = 0 तो यहाँ से निकल करके आ जाएगा a + b = 3 यानी कि हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 64 का। 65 पे आ जाते हैं। 65 क्या कह रहा है, ए पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर इन सच अ वे दैट द डिफरेंस ऑफ ए डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट्स ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट्स शुड द पोल टू बी इरेक्टेड। एक सर्कुलर पार्क है, ठीक है, इस सर्कुलर पार्क के एंड्स पॉइंट हम बना देते हैं a, b, ठीक है, और इसकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है 13 मीटर दे रखी है, ठीक है। और एक पॉइंट लेना है यहाँ पे, इस पॉइंट का नाम ले देते हैं c, और इस पॉइंट को इस तरीके से लेना है कि जो अपोजिट डायमेट्रिकली इंड पॉइंट से, इस पॉइंट को इस तरीके से लेना है कि दोनों का डिफरेंस, देखो लिखा हुआ टू डायमेट्रिकली अपोजिट, शुरू से पढ़ते हैं, द डायमीटर 13 मीटर in such a way that the differences of its distance from two diametrically opposite fixed gate a and b on the boundary is 7 meter yani ki yahan se hum likh sakte hain ac minus bc equal to 7 meter theek hai according to the question क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि इस तरीके से पॉइंट लेना। अब हमको एक बात पता है कि ये सेमी सर्किल है, तो सेमी सर्किल में बना हुआ एंगल कितना होता है 90 डिग्री, ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो गया तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, और यहाँ से ए सी की वैल्यू निकल करके आ जाएगी बी सी प्लस 7, ठीक है, तो ये हो जाएगा 169 और AC की वैल्यू हो गई BC + 7 का स्क्वायर प्लस
बी सी स्क्वायर, ठीक है, बी सी को थोड़े देर के लिए x मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 169 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 प्लस x स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 169 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस, इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा जीरो और 6 में से 4 जाएगा 2, ये आ जाएगा 120 इक्वल टू जीरो, यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि इसका साइन हम लेंगे बड़े वाले का साइन, ठीक है, अब दो कॉमन आ रहा है तो दो कॉमन लेकर के डिवाइड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू जीरो, यहाँ से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल टू जीरो, एक्स कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स प्लस 12 माइनस 5 एक्स प्लस 12 इक्वल टू जीरो, तो एक्स प्लस 12 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और एक्स माइनस 5 बच जाएगा इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 12 और x की वैल्यू आ गई 5, तो x की वैल्यू हम नेगेटिव वाला नहीं ले सकते क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं होता, ठीक है, तो x की वैल्यू हम 5 ले लेंगे, x की वैल्यू 5 यानी कि BC की वैल्यू हमारी आ गई 5, BC आ गया हमारा 5, और BC आ गया 5, तो यहां से हम AC को ले क्या लिखेंगे, AC इक्वल टू BC प्लस 7, तो AC इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस 7 यानी कि 12, तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 5 एंड 12 डी पार्ट यानी कि 65 का डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 हो गया, 66 पे आ जाते हैं, 66 में क्या कह रहा है, L1 एंड L2 आर टू पैरेलल लाइंस एज शोन इन फिगर, इफ AB एंड BC आर द bisectors of angle CAD and angle ACE respectively, then angle ABC, तो हम डायग्राम बना देते हैं, ये दे रखा है L1 और ये दे रखा है L2 और ये कि यहाँ पे ट्रांसवर्स लाइन दे रखी है AC, ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से ऐसे बना हुआ है, ये है B, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है E, यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है ई और यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है डी। अब क्या कह रहा है, देखो कह रहा है इफ ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी ए डी एंड एंगल ए सी ई, ए सी ई यानी कि एंगल सी ए डी का ए बी बाइसेक्टर है और एंगल ए सी, एंगल ए सी ई, ए सी ई का कौन बाइसेक्टर है, बी सी, तो यहां से हम ये कह सकते हैं BC जब इस एंगल का बाइसेक्टर है तो अगर इसको x मानेंगे तो ये भी x हो जाएगा, ठीक है, और AB एंगल CAD का बाइसेक्टर है तो इसको y मानेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है, ये बात क्लियर है, क्यों, क्योंकि ये AB जो है एंगल CAD का बाइसेक्टर है और BC जो है एंगल ACE का बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर है तो इक्वल एंगल होगा, ठीक है, उसके बाद हम यहां से क्या देख रहे हैं, ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये पूरा एंगल कितना है 2x, तो ये भी कितना हो जाएगा 2x अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है, अब ये 2x है, ये 2y है, तो यहां से हम लिख सकते हैं 2x plus 2y equal to 180 degree, ठीक है, क्योंकि ये एक लाइन पे बन रहे दोनों एंगल, तो यहां से आ जाएगा x plus y equal to 90 degree, ठीक है, x plus y equal to 90 degree, अब ये x अंदर भी है और यहाँ y अंदर है, तो x plus y जब 90 degree है तो ये जो एंगल है, एंगल कौन सा है, ABC, ये कितना, एंगल ABC plus x plus y equal to क्या आएगा 180 degree, और इन दोनों का सम कितना है 90, तो यहाँ से आ जाएगा एंगल ABC equal to 180 minus 90 यानी कि 90 degree, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 66 का A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 67 पे आ जाते हैं, 67 पे पहले डायग्राम बना देते हैं, ये बी पॉइंट है, ठीक है, और ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, क्या दे रखा है,
इन द गिवन फिगर ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी ये दे रखा है, ठीक है। उसके बाद दे रखा है एंगल, एंगल ए बी, एंगल ए बी सी इक्वल टू, एंगल ए बी सी इक्वल टू 36 डिग्री, ठीक है, ए बी सी इक्वल टू 36 डिग्री। उसके बाद हमसे एंगल कौन सा पूछ रहा है, एंगल पूछा है बता दो एंगल बी ओ सी कितना होगा, ठीक है। तो सेंटर है ओ और ये वाला एंगल हमसे पूछा है एंगल बी ओ सी कितना होगा। तो हम एक काम करते हैं कि एंगल ए बी सी पता है, ये हमें पता है, तो यहाँ से ये और ये हम पता कर सकते हैं। देखो ये साइड इक्वल है, तो ये अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी होंगे इक्वल, क्योंकि अपोजिट एंगल, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। तो ये एंगल क्या होंगे, इक्वल। तो अगर इसको x मान ले तो ये भी कितना होगा, x। तो यहाँ से इस ट्रायंगल में हम लगा सकते हैं x प्लस 36 इक्वल टू कितना आ जाएगा, इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा 2x इक्वल टू 180 माइनस 36, तो यह आ जाएगा 4 और 7 में से 3 जाएगा, ये भी 4, 144, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 72, x की वैल्यू आ गई 72, यानी कि ये एंगल आ गया 72। अब देखो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को देखो, तो ये दोनों पॉइंट सेंटर सॉरी यहाँ सर्कमफ्रेंस पे एंगल बना रहा है 72 डिग्री का, और जब सर्कमफ्रेंस पे ये दोनों पॉइंट बना रहा है 72 डिग्री का तो सेंटर पे कितना बनाएगा, डबल एंगल बनाएगा। ये हमें पहले से ही पता है कि सर्कमफ्रेंस पे जितना एंगल बनाता है उसका डबल कहाँ पे बनाता है, सेंटर पे। तो ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा एंगल बी ओ सी इक्वल टू हो जाएगा 144 डिग्री, इसका जो है डबल हो जाएगा, ठीक है। तो 67 का हमारा डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 68 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है, इफ द करेस्पॉन्डिंग एटीट्यूड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 6 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगर एक ट्राइंगल ए है और एक ट्राइंगल ए है, ये है ए बी सी और ये है पी क्यू आर, ठीक है। इसका एल्टीट्यूड है मान लीजिए डी और ये एल्टीट्यूड है एम, ठीक है। तो यहाँ से मैं बता चुका हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अगर सिमिलर है, दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर है, तो ये मैं पहले से बता चुका हूँ कि साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं BC अपॉन QR का स्क्वायर, या फिर हम एल्टीट्यूड भी ले सकते हैं AD अपॉन PM का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे एल्टीट्यूड दे रखा है 6 और 9 और एरिया का रेशियो पूछा है, तो यहाँ से आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR ये हो जाएगा, एल्टीट्यूड का साइड दे रखा है कितना कितना 6 और 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से इसको कट कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, तो यहाँ से आ जाएगा 4/9, यानी कि 4:9 हमारा ऑप्शन यानी कि डी पार्ट हो जाएगा 68 का डी पार्ट। 69 को देख लेते हैं, 69 क्या कह रहा है, इफ जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल जी ए बी इज इक्वल टू, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए इसको एक काम करते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x1 y1, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x1 y1, ठीक है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x2 y2 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x3 y3, ठीक है। तो जब इस तरीके से मानेंगे तो इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते हैं कि कितना आएगा, ठीक है। और जी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा होता है, जी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 + x2 + x3 / 3, y1 + y2 + y3 / 3, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, और फिर ये जी ए बी का हम निकाल लेते हैं, दोनों का निकालेंगे तो यहाँ से निकल करके आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल GAB इक्वल टू 1/3 ऑफ
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। क्वेश्चन 69 हो गया, क्वेश्चन 70 पे आ जाते हैं। इन द गिवन फिगर ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन विल बी। ए बी सी और ये दे रखा है डी, हमसे पूछा है ये शेडेड रीजन का एरिया बता दो। ठीक है, तो शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे, दो तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। या तो एक काम करें, इसको निकालने के लिए कैसे निकाल सकते हैं, इसको निकालने के लिए या तो सेंटर पे, सेंटर यहाँ पे रख दें, ठीक है, ये सेंटर हो जाएगा, सेंटर से इसको ऐसे मार्क कर दें और इसको ऐसे मार्क कर दें, ठीक है। उसके बाद क्या करें कि ये एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लें, ये एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के बाद ये एरिया ऑफ ट्रायंगल सबट्रैक्ट कर दें, और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल सबट्रैक्ट करेंगे तो ये शेडेड पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। और तीनों ही सिमिलर है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो वहां से भी आ सकता है, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है कि हम डायरेक्टली इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं, और सर्किल का एरिया तो हमें पता ही है, क्यों, क्योंकि उसका रेडियस दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो ये जो इसका सेंटर होगा वो यहां पे होगा, ठीक है, ये पॉइंट है डी, और ये जो सेंटर होगा, ठीक है, ये सेंटर जो होता है ये सेंट्रॉइड भी होता है, अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और ये सर्किल है तो ये सेंट्रॉइड भी यही होता है, ठीक है। तो अगर सेंट्रॉइड भी यही होगा, ठीक है, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो रेडियस है AO क्या है, AO क्या है, रेडियस के बराबर है, रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस दे रखा है, रेडियस दे रखा है 8 सेंटीमीटर, AO यानी कि 8 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो AO इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AO इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और AO जो होता है, ये जो O पॉइंट है, O पॉइंट सेंट्रॉइड भी है, और O पॉइंट अगर ये सेंट्रॉइड है तो ये इसको क्या करता है, इस साइड को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि 2/3 ऑफ AD, 2/3 ऑफ AD इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो यहां से AD की वैल्यू आ जाएगी, AD की वैल्यू आ जाएगी 4×3=12 सेंटीमीटर, AD की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। अब AD की वैल्यू अगर 12 सेंटीमीटर आ गई तो AD की लेंथ कितनी होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये होता है √3/2 इक्वल इनटू A, √3/2 into A इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी 24/√3, तो ये हो जाएगा 24, इसको लिख सकते हैं 8×3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड बाई √3, तो यहाँ से आ जाएगा 8√3 सेंटीमीटर A आ गया। A क्या है हमारा, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड लेंथ, और जब इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड लेंथ आ गया तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, √3/4 into A² तो ये हो जाएगा √3/4 into A², तो ए स्क्वायर हो जाएगा 8² और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3/4 into 64 into 3, तो इसको कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 16 3 कितना हो जाएगा 48 √3, ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल 48√3। अब या तो ऑप्शन सी होगा या तो ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन सी या डी होगा, इसके लिए एरिया ऑफ सर्किल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्किल इधर निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ सर्किल हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ सर्किल π r² तो π × r कितना है 8² तो ये हो जाएगा 64π, यानी कि हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये हो जाएगा 64π − 48√3, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा, 70 का डी पार्ट। क्वेश्चन 71 पे आ जाते हैं, 71 क्या कह रहा है, 71 कह रहा है वाटर फ्लोज इन ए टैंक ऑफ डायमेंशन 150 m × 100 m एट द बेस, थ्रो ए रेक्टेंगुलर पाइप हुज क्रॉस सेक्शन इज 2 dm × 1.5 dm एट द स्पीड ऑफ 15 km/h, इन व्हाट टैंक विल द वाटर बी 3 m deep, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले
3 मीटर डीप, यानी कि वाटर फ्लोज इन ए टैंक, तो टैंक का क्या करते हैं कि वॉल्यूम निकाल लेते हैं, तो टैंक का वॉल्यूम हो जाएगा, टैंक वॉल्यूम ये हो जाएगा हमारा 150 इंटू 100 इंटू 3, क्योंकि 3 मीटर डीप रखना है, ठीक है। उसके बाद जिस पाइप से फ्लो हो रहा है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दे रखा है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है 2 डेसीमीटर इंटू 1.5 डेसीमीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये हो जाएगा, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, सर्कुलर नहीं है, तो ये हो जाएगा 2 डेसीमीटर इंटू 1.5 डेसीमीटर दे रखा है, तो डेसीमीटर को क्या करते हैं कि मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 2/10 इंटू 1.5/10 ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 15 × 30 डिवाइडेड बाई 100 मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि एट द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, किस स्पीड से मूव कर रहा है, 15 किलोमीटर पर आवर से, तो वन आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 15 किलोमीटर, वन आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर यानी कि ये हो जाएगा 15,000 मीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं वन आवर में, ठीक है। तो एरिया ऑफ, सॉरी वॉल्यूम ऑफ पाइप इन वन आवर ये हो जाएगा 3/100 इंटू 15,000 मीटर क्यूब, ठीक है, 15,000 मीटर क्यूब, ये हमारा निकल करके आ गया वॉल्यूम ऑफ पाइप इन वन आवर। उसके बाद कह रहा है कि कितने टाइम में ये फिल करेगा, तो हम मान लेते हैं कि टी टाइम में ये पाइप उस टैंक को फिल कर देगा, ठीक है। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ पाइप इन टी आर में हो जाएगा 1070 कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 × 150 × t, ठीक है, तो दोनों को इक्वल कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 150 × 100 × 3 = 3 × 150 × t, तो 3 से 3 कैंसिल, 150 से 150 कैंसिल, t = आ जाएगा 100, तो यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 71 का डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 क्या कह रहा है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन ऑफ राइट कोन आर ऑलवेज रेस्पेक्टिवली, तो कोन बना लेते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ते हैं, रेक्टेंगुलर और इलिप्स, ट्रायंगुलर और सर्किल, मतलब वर्टिकल पूछ रहा है और हॉरिजॉन्टल पूछ रहा है, तो वर्टिकल अगर देखो तो वर्टिकल यहाँ पे देखोगे तो ये ट्रायंगुलर शेप का नजर आ रहा है, यानी कि वर्टिकल हमारा ट्रायंगुलर हो जाएगा और हमारा हॉरिजॉन्टल कैसा है, सर्कुलर, तो यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 72 का बी पार्ट, ट्रायंगुलर और सर्कुलर, ठीक है। 73 पे आ जाते हैं, 73 क्या कह रहा है, ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, तो ये है हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बना लेते हैं, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, AC and BD आर द डायगोनल्स इफ एंगल DBC, इफ एंगल DBC, ये एंगल दे रखा है 55 डिग्री DBC, और एंगल BAC, यानी कि ये एंगल दे रखा है BAC 45 डिग्री, और हमसे एंगल पूछ रहा है एंगल BCD, यानी कि ये एंगल पूछ रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखते हैं कि अगर हम इसको बेस ले लें, ठीक है, इसको बेस लेंगे, तो देखो ये जो एंगल बन रहा है ये 45 डिग्री पे बन रहा है, ठीक है, और सेम सेगमेंट पे अगर एंगल बनता है तो वो इक्वल होता है, तो एक एंगल ये बन रहा है, कौन सा एंगल, BAC, किस सेगमेंट पे बन रहा है, BC पे, ठीक है, और BC पे एक दूसरा एंगल भी बन रहा है, कौन सा, BDC, तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दूसरा जो एंगल बन रहा है ये हो गया 45,
दूसरा एंगल जो बन रहा है ये 55 बन रहा है, 55 किस पे बन रहा है, सीडी बेस पे बन रहा है, तो सीडी बेस पे ये बन रहा है 55, तो सीडी बेस पे और कोई एंगल बन रहा है क्या, चेक कर लेते हैं, तो सीडी बेस पे एक और एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल बन रहा है, डी ए सी, यानी कि सेम सेगमेंट पे अगर एंगल बनते तो ये कितना हो जाएगा 55 डिग्री, ठीक है। अब देखो, अब एंगल जो है ये डी ए बी 45 और 50 ये दोनों मिला करके हो जाएगा 100 डिग्री, ठीक है, 55 प्लस 45 ये हो गया 100 डिग्री। अब हमको पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी कि अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री, आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, तो ये अगर 100 है तो ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री, यानी कि एंगल आ जाएगा हमारा बी सी डी इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है, तो यानी कि इसका जो है 73 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 73 का ए ऑप्शन। 74 पे आ जाते हैं, 74 पे क्या कह रहा है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, द मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है, मिनिमम वैल्यू पूछा, तो काम करते हैं कि कन्वर्ट कर लेते हैं, तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस 3 माइनस 2, यानी कि 1 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो इसकी कॉस स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0, यानी कि क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है, अगर कॉस थीटा होता तो -1 हो जाता, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो सकती है, 0, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 ले सकते हैं मिनिमम के लिए, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 2। क्वेश्चन 75 क्या कह रहा है, क्वेश्चन इफ एंगल्स ए बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी फॉर्म्स एन इंक्रीजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देन साइन बी इक्वल टू, यानी कि जो ए बी सी ट्रायंगल के एंगल है वो जो है ए पी में है, तीन टर्म्स हमें सपोज करना है, तो हम कैसे सपोज करते हैं, जाहिर सी बात है हम इस तरीके से सपोज करते हैं, ये मैं क्लास में बता चुका हूँ ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है, तो मिडिल टर्म को ए मानेंगे, उसके आगे ए प्लस डी, उसके पहले ए माइनस डी, अब तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, तो यहां से आ जाएगा 180 डिग्री, तो यहां से आ जाएगा 3a = 180 डिग्री, a = 60 डिग्री, ठीक है, a = 60 डिग्री हो जाएगा। अब तीनों टर्म्स ए पी में रखना है और तीनों का सम जो है कितना रखना है, 180 रखना है, तो a माइनस डी कितना हो जाएगा, a माइनस डी हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, और a तो हमारा है 60 डिग्री, और नेक्स्ट वाला कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, और हमसे जो है साइन b पूछा है, साइन b यानी कि साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री कितना हो जाएगा, √3/2, यानी कि 75 का सेकेंड पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 76 देख लेते हैं क्या कह रहा है, 76 इफ एन एरोप्लेन When 3000 meter high passes vertically above another plane at an instant when their angles of elevation at the same observation point are 60 degree and 45, then the distance between the aeroplanes are, ठीक है, an aeroplane when 3000 meter high passes vertically above another plane at an instant at the same observation point are 60 degree and 45 degree, यानी कि जो है दो प्लेन है और एक ही ऑब्जर्वर है, ठीक है, तो ये इंक्लिनेशन एंगल बना रहा है दोनों से, और हाइट जो है क्या है, सेम है, तो ये मान लेते हैं दोनों प्लेन के बीच में डिस्टेंस मान लेते हैं डी, तो ये भी हो जाएगा डी, ये दे रखा है 3000, ये भी हो जाएगा हमारा 3000, ये है कितना 60 डिग्री और ये है हमारा 45 डिग्री, इसको मान लेते हैं एक्स, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि टैन 45 लगा देते हैं, ठीक है, तो टैन 45 लगाएंगे, टेन 45 लगाएंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 3000 अपॉन डी प्लस एक्स हो जाएगा, 3000 अपॉन डी प्लस एक्स, ठीक है, और उसके बाद हम टेन 60 डिग्री लगा देते हैं, टेन 60 डिग्री अगर लगाएंगे, टेन 60 डिग्री ये हो जाएगा हमारा 3000 अपॉन ये इसमें 60 डिग्री लगा रहे हैं तो इस वाले ट्रायंगल में लगा, ये हो जाएगा एक्स, टेन 60 डिग्री कितना होता है √3
3000 अपॉन x, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3000 अपॉन रूट 3। तो ऊपर वाले को लिख सकते हैं 3 × 1000, तो डिवाइडेड बाई रूट 3। तो यहाँ से आ जाएगा 1000 अंडर रूट 3। इस x की वैल्यू उठा करके यहाँ पे रख देते हैं, और 1040 इस वाले में, ठीक है, इस वाले में 1045 कितना होता है 1। तो यहाँ से आ जाएगा d प्लस x इक्वल टू 3000, ठीक है, और ये हो जाएगा d इक्वल टू 3000 माइनस x, यानी कि 1000 अंडर रूट 3, ठीक है। तो एक काम करते हैं 1000 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 1000 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि 1000 3 माइनस अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73, ठीक है। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1268 मीटर। क्वेश्चन नंबर 77 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है, इन अ पैक ऑफ 90 कार्ड्स ईच कार्ड इज मार्क्ड विद ए डिफरेंट नंबर फ्रॉम 110 to 199। ए कार्ड वाज सिलेक्टेड एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो हम इसको लिख लेते हैं, टोटल हमारे पास जो कार्ड है वो 90 कार्ड है, 90 कार्ड, और कहां से कहां तक है, 100 से लेकर के 199 तक, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि पूछा है प्रोबेबिलिटी नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो हम देख लेते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर कितने होंगे इसके बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें साफ साफ दिख रहा है कि सबसे पहला जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो 10 का, अगर मान लो करेंगे 10 का, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, ठीक है, तो ये इसके नीचे आ जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर करेंगे 121, यानी कि ये मिल जाएगा पहला परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा हमें 11 का स्क्वायर 121। उसका दूसरा करते हैं 12 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 144, 144, ठीक है, तो दूसरा मिल गया। तीसरा कितना हो जाएगा 169, ठीक है, 169, और चौथा करेंगे 14 का, तो कितना हो जाएगा 196, यानी कि टोटल 4 परफेक्ट स्क्वायर मिलेंगे हमें 121, 144, 169, 196। तो कितने परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, 90 - 4, यानी कि 86 ऐसे नंबर होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। और प्रोबेबिलिटी हमें जो बतानी है नॉट परफेक्ट स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 86 डिवाइडेड बाय 90, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 43 डिवाइडेड बाय 45, यानी कि 77 का बी ऑप्शन मैच कर गया, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 78 बहुत ही आसान सवाल है, क्वेश्चन 78 बहुत ही, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड इन टॉसिंग ए पेयर ऑफ फेयर कॉइन। तो अगर हम दो पेयर ऑफ फेयर कॉइन यानी कि दो कॉइन को हम थ्रो कर रहे हैं, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, हेड हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, और हेड टेल आ सकता है। लेकिन हमसे पूछा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड, तो एग्जैक्टली वन हेड यहां पे आ रहा है और यहां पे आ रहा है, कितने केस में आ रहा है, दो केस में, तो प्रोबेबिलिटी कितना, 1, 2, 3, 4, कितने आ रहे हैं, फेवरेबल कितने हैं 2, और टोटल कितने हैं 4, तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, 78 का सी पार्ट, ठीक है। उसके बाद 79 पे आ जाते हैं, 79 क्या कह रहा है, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स दे रखा है और नंबर ऑफ स्टूडेंट, और पूछा है हमसे मॉडल क्लास, तो हम इसको लिख लेते हैं मार्क्स, ठीक है, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट लेस देन, ठीक है, मार्क्स कितना है 20, 40, ठीक है, 60, 80, 100 और 120, ये कितना है 4, 12, 25, 56, 74 और 80, ये लेस देन टाइप है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं कि इसको मॉडल क्लास पूछना है, तो जाहिर सी बात है हमको इंटरवल पता करना पड़ेगा, तो इंटरवल पता करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इंटरवल और यहाँ पे हो जाएगा हमारा इंटरवल हो गया, और ये इंटरवल आ गया, और यहाँ पे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी, तो
देखते हैं फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी होगी, ठीक है। तो इंटरवल यहाँ से हम ले लेते हैं 0 से 20, ये है लेस देन 20, यानी कि लेस देन लिखा हुआ, तो लेस देन 20, लेस देन 20 यानी कितने हैं 4। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, लेस देन 40, लेस देन 40 कितने हैं 12, लेकिन हम 0 से 20 ले चुके हैं, अब यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं 20 से 40, तो 20 से 40 में 4 तो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो बचेंगे कितने 12 - 4 यानी कि 8 बचेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं 40 से 60, तो 40 से 60 हम क्या करेंगे, 0 से 40 वाला सब कुछ हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा ये 25 - 12 यानी कि 13। उसके बाद आ जाएगा 60 से 80, तो जितना पहले आ चुका है सबको सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो उसके बाद हाँ सही है, उसके बाद आ जाएगा 80 से 100, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 18, ठीक है 18, और 7 में से 5 जाएगा ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है 2 हो जाएगा। उसके बाद जो है उसके बाद हम इस यहाँ से देख लेते हैं, ये हो जाएगा 100 से 120, तो ये कितना आ जाएगा 6। तो मॉडल क्लास कौन सा होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है सबसे ज्यादा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी पार्ट 79 का सी। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन 80 पे, क्वेश्चन 80 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 80 कह रहा है ए ग्रैंडफादर, टू फादर एंड टू सन वेंट टू द मूवी थिएटर टुगेदर एंड एवरीवन बॉट 1 मूवी टिकट ईच, हाउ मेनी टिकट्स डिड दे बाय इन टोटल। यानी कि कह रहा है एक ग्रैंडफादर है, ठीक है एक ग्रैंडफादर है और दो फादर हैं, ठीक है और क्या है दो सन है, ठीक है ये एक ग्रैंडफादर है और दो फादर हैं और कितने सन है 2 सन हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से क्या होगा कि अगर ये ग्रैंडफादर है, ठीक है ग्रैंडफादर है, तो इसके ये दोनों क्या हो गए सन हो गए, ठीक है ये दोनों क्या हो गए सन हो गए, तो अगर ये दोनों सन हो गए और इसमें एक ग्रैंडफादर है, ठीक है और दो फादर हैं और दो कितने सन हैं, ठीक है तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे क्या केस हो रहा है, एक ग्रैंडफादर ये उसका बेटा और ये उसका बेटा है, ठीक है तो यहाँ पे देखो अगर ये कोई मैन हुआ, ठीक है तो इसका एक बेटा ये हुआ, ठीक है एक बेटा ये हुआ, एक सन यहाँ से आ गया, ठीक है और दूसरा सन यहाँ से आ गया, एक सन यहाँ से आ गया, तो 2 सन की कंडीशन कंप्लीट हो गई। अब फादर की कंडीशन क्या कह रहा है, दो फादर, तो देखो अगर ये सन है तो सन का ये क्या है फादर है, एक फादर हो गया, ठीक है एक फादर हो गया, अगर ये अब ये फादर है ये ग्रैंड फादर है तो ये क्या हो जाएगा एक फादर ये हो गया, तो दो फादर हो गए और 2 सन हो गए और एक ग्रैंड फादर हो गया, तो टोटल कितने पर्सन है यहाँ पे 3 पर्सन है, यानी कि 3 टिकट परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप फॉर बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, थैंक यू सो मच।